हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एसएससी जोन। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक टेबल ओडीआई जो कि एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का। अभी जो शिफ्ट चल रही है 7 अक्टूबर की, उसका एक क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड, इसको हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते थे। तो फ्रेंड, अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, तो फ्रेंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप ऑल अबाउट को फॉलो करिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आईबीपीएस का और ऑल अबाउट उसके काफी ज्यादा इक्विवेलेंट है। फ्रेंड, साथ ही साथ आप इसमें अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, साथ ही साथ इनका जो सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, तो फ्रेंड आई पर्सनली रिकमेंड यू दैट ऑल अबाउट द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द टोटल स्टूडेंट इन फोर क्लासेस एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन टू एक्टिविटीज। तो फ्रेंड, हमें इसमें एक टेबल दिया गया है, उसमें हमें फोर क्लासेस दी गई हैं। सिक्स्थ क्लास दी गई है, सेवन्थ क्लास दी गई है, एट्थ दी गई है और नाइन्थ दी गई है। तो फ्रेंड, इसके में साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं। क्लास सिक्स में 500 स्टूडेंट हैं, क्लास सेवन्थ में 400 हैं, क्लास एट्थ में 360 हैं और क्लास नाइन्थ में 250 हैं। तो फ्रेंड, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन टू एक्टिविटीज हमें दिया गया है। दो एक्टिविटीज में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 15% जो स्टूडेंट हैं क्लास सिक्स से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांसिंग में। 18% जो स्टूडेंट हैं क्लास सिक्स के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंगिंग में। एंड फ्रेंड, हमें ऐसे ही दिया गया है इसमें, जो क्लास सेवन से हैं वो 10% डांस में है, 25% सिंगिंग में है, क्लास एट से 25% डांसिंग, 10% सिंगिंग, क्लास नाइन से 10% डांसिंग एंड 12% स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग। तो फ्रेंड, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन डांस फ्रॉम क्लास सेवन एंड सिक्स टुगेदर। तो फ्रेंड, वो बोल रहा है कि क्लास सेवन से और क्लास सिक्स से कितने परसेंट स्टूडेंट हैं वो डांसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनका रेशो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सिंगिंग फ्रॉम क्लास नाइन्थ एंड एट। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्लास सिक्स और क्लास सेवन्थ के हम जो स्टूडेंट हैं जो डांसिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, हम चलेंगे क्लास सिक्स में। क्लास सिक्स में हमें दिए 500 स्टूडेंट और हमें यहाँ निकालना है 15% निकालना। तो फ्रेंड, 15 कैसे निकालेंगे, 10% निकालेंगे पहले हम और उसको 5% ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, 500 दिया है हमारा, ये होता है 100%, 50 हमारा होगा 10% और 5% कितना होगा फ्रेंड, इसका हाफ हो जाएगा, हो जाएगा 25 हमारा 5% होगा। तो फ्रेंड, 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 75। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्लास सेवन के बच्चे जो डांसिंग में हैं, वो है 10% और 400। तो फ्रेंड, 400 का 10% कितना होगा, 40 होगा। इसका हम रेशियो निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिंगिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ एंड क्लास एट्थ। तो फ्रेंड, क्लास नाइन्थ में जो सिंगिंग के स्टूडेंट हैं वो है 12%। तो फ्रेंड, 250 दिया हमें, 25 हमारा 10% रहेगा, 1% हमारा 2.5 हो जाएगा। तो फ्रेंड, पहले हम 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 25 और 1% हमारा 2.5 है। तो फ्रेंड, 2% और ऐड कर देंगे, 2.5 प्लस 2.5 वो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30 प्लस। अब हम चलेंगे क्लास एट्थ में। क्लास एट्थ में दिए हमें 360 स्टूडेंट, 360 का हमें 10% निकालना फ्रेंड, तो प्लस 36 कर देंगे इसमें। तो फ्रेंड, ये हो जाएगा 115 और इसका रेशियो निकाल लेंगे, ये हो जाएगा इसका एडिशन 76। तो फ्रेंड, ये कट नहीं रहे हैं तो फ्रेंड इसका आंसर ये होगा। चलिए फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डांस एंड सिंगिंग फ्रॉम क्लास सेवन। तो फ्रेंड बोल रहा है कि ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जो सिंगिंग और डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्लास सेवन से। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने परसेंट बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास सेवन में जाएंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 25% है, 25% प्लस 10% टोटल 35% आर पार्टिसिपेटिंग इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो फ्रेंड, 65% बच्चे ऐसे रहेंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि 35% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बचा 65%। तो फ्रेंड, 65% बच्चे ऐसे होंगे जो डांस और सिंगिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम निकाल लेंगे 65% ऑफ 400। अब बोल रहे फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसके अपॉन में आएगा, टू पार्टिसिपेटिंग वंस इन डांस फ्रॉम क्लास नाइन्थ एंड सिंगिंग फ्रॉम क्लास सिक्स। तो फ्रेंड, हम जाएंगे डांसिंग में क्लास नाइन्थ में, तो क्लास नाइन्थ हमारी ये है और यहाँ पर डांसिंग के बच्चे हैं 10%। तो फ्रेंड, 250 का 10% 25 होगा, ये 25 प्लस। अब हम जाएंगे क्लास
सिक्स में, और इसके सिंगिंग के बच्चे निकालेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर 500 हमें टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं और जो सिंगिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 18% बच्चे। तो फ्रेंड 500 होता हमारा 100%, मैं आपको बता चुका हूँ। 50 हमारा होगा 10%। तो फ्रेंड क्या करेंगे हम 20% निकालेंगे पहले। तो 20% कितना हो जाएगा फ्रेंड, 100 हो जाएगा। अब इसमें हम 2% माइनस कर देंगे तो फ्रेंड 5% हमारा 1% होगा। तो और 2% कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10 हो जाएगा। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा 90। तो फ्रेंड ये 90 हमारा निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, ऐड कर देंगे 65% और 400 ये हो जाएगा 115। अब फ्रेंड्स हम काट देंगे, ये कट जाएगा 13, ये हो जाएगा 23, ये कट जाएगा फ्रेंड। अब फ्रेंड क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 400 का 13% कितना होगा फ्रेंड, 400 का 13% कितना होगा। अब 4 हमारा 1% होगा, तो 13 4 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा फ्रेंड। और नीचे रहेगा 23, फ्रेंड्स को हम काट देंगे, ये 23 से कट जाएगा, ये आएगा 2.26। तो फ्रेंड हमें परसेंट निकालना था, इसको इंटू 100 कर देंगे हम, तो फ्रेंड ये हो जाएगा 226% इसका आंसर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन डांस फ्रॉम ऑल 4 क्लासेस। तो फ्रेंड जितने भी बच्चे डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका हम एवरेज पूछा है। तो फ्रेंड हम सबका एवरेज निकाल के डिवाइड बाय 4 कर देंगे, जितने बच्चे आएंगे अलग अलग डांस में उनको हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो फ्रेंड क्लास 6 में 15% बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांसिंग में, तो फ्रेंड 75 है हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। देन इसका 10% 40 होगा फ्रेंड यहाँ पर। इसका 25% कितना होगा फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसको हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे क्योंकि 25% पूछा, तो हम डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो जो हम आंसर मिलेगा वो 90 होगा फ्रेंड, आप करके देख सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर 10% पूछा है, तो 250 का 10% 25 होता है, आप सभी को पता है। इनको हम ऐड कर देंगे फ्रेंड, 25 प्लस 75 ये हो जाएगा 100, देन प्लस 140 प्लस 90 ये हो जाएगा टोटल 230। इसको हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 230 डिवाइड बाय 4 तो ये हो जाएगा आपका 57.5। तो फ्रेंड इसका आंसर 57.5 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन ड्रॉइंग फ्रॉम क्लास 7 इज 72, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग बोथ डांस एंड ड्रॉइंग फ्रॉम सेम स्कूल। फ्रेंड बोल रहा है कि जो क्लास 7 है हमारी ये वाली, इसमें जो ड्रॉइंग के बच्चे हैं वो है 72, और वो पूछ रहा है कि अगर हम ड्रॉइंग के बच्चे मिला दें और डांस के बच्चे मिला दें तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड हमें पता है कि जो डांस के बच्चे हैं वो है 10%, तो अब हमें निकालना है कि ये कितना परसेंट होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड टोटल स्टूडेंट 400 है और हम निकालना है 72 उसका कितना परसेंट हुआ। तो फ्रेंड 400 और 100% होता है, आपको पता है यहाँ पर 400 100% है। 40 हमारे यहाँ पर 10% होगा, तो फ्रेंड हमारा हमें जाना है 72 तक, तो आप देख सकते हैं। और 4% कितना होगा हमारा, 1%। तो फ्रेंड 40 प्लस 40 80 हमारा आ जाएगा 20%। अब हमें जाना है 72 तक, तो फ्रेंड इसमें से अगर हम 8 माइनस कर दें तो हम पहुंच जाएंगे 72। तो फ्रेंड जो 8 माइनस करेंगे वो होगा 4 प्लस 4 8, मतलब 1 प्लस 1 2% माइनस कर देंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा 18%। तो 72 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 18% हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें 18% ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28%। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा, तो फ्रेंड इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।